पहले सोनीपत के मौसम का हाल जान लेते हैं। राजेश, सोनीपत में क्या कुछ देखने को मिल रहा है मौसम के हवाले से? जी बिल्कुल, देखिएगा दिल्ली एनसीआर हरियाणा के क्षेत्र सोनीपत में अभी हम मौजूद हैं और कुछ तस्वीरें यहाँ से दर्शकों को जरूर दिखा देना चाहते हैं। आप ये तस्वीर यहाँ पर देख सकते हैं कि खास तौर से यहाँ पर हर तरफ कोहरा ही कोहरा छाया हुआ है और ये एक गार्डन में इस समय हम मौजूद हैं। यहाँ पर कोई भी व्यक्ति जो है नजर नहीं आ रहा है। खास बात यह है कि रात के समय यहाँ टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस तक रिकॉर्ड हुआ है और सुबह की अभी की अगर हम बात करें तो 7 डिग्री टेम्परेचर बना हुआ है। अधिकतम 12 डिग्री तक रहने की संभावना है। लेकिन जी मीडिया के जितने भी दर्शक अभी देख रहे हैं उनको हम ये जानकारी भी जरूर देना चाहेंगे कि गेहूं की बाली के लिए यह सर्दी जो है यानी कि कोहरा जो है वो लाभदायक चीज होगा। गेहूं जी उत्पादक किसान जो है वो जरूर खुश नजर आ रहे हैं, लेकिन यह सब्जी उत्पादक किसान जो है वो वास्तव में मायूस नजर आ रहे हैं। कारण यह है कि इस तरह से सब्जी कोहरा अगर तो पत्ते पर जिमता है यानी कि पाने की परत जब जाती है यानी सफेद बर्फ जिसे हम कह सकते हैं, इसमें जो है सब्जी का पत्ता जम जाएगा। जमने की वजह से सब्जी की फसल बर्बाद हो जाएगी। तो यहाँ पर अधिकतर लोग जो है इस इलाके की ठंड के बीच जो है सर्दी में अग्नि जलाकर थोड़ी गर्मी जरूर दे रहे हैं। जी राजेश, आपसे जानना चाहेंगे क्या सोनीपत में भी या किसी तरह का अलर्ट जारी किया गया है और स्कूल की छुट्टियों के हवाले से क्या जानकारी है? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम सोनीपत हरियाणा तो जो है गई है कोई भी बच्चा जो है में नहीं आ रहा है। खास बात यह है कि यहाँ 10वीं और 12वीं के बच्चों को जरूर स्कूल बुलाया जा रहा है क्योंकि उनकी परीक्षा है, तो इस मद्देनजर उनकी एक्स्ट्रा क्लास वो लगाई जा रही है। कोई छोटा बच्चा स्कूल नहीं बुलाया जा रहा। खास बात यह है सर्दी जो है और कोहरे का कहर जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और टेम्परेचर की अगर बात करते हैं तो जिस तरह से पहले बताया समय बना हुआ है और रात के समय 2 डिग्री टेम्परेचर रहता है और काफी सर्दी जो है वो बन चुकी है। और खास बात रेलवे स्टेशन और आस पास के अक्षेत्र नगर निगम के क्षेत्र है उनमें जो है यहाँ पे बाकायदा के रात के समय ठहरने के लिए जगह निर्धारित की गई है और यानी कि एक होम बनाया गया है जहाँ पे कोई भी व्यक्ति ठहर सकता और सर्दी से बचाव देखकर नगर निगम प्रशासन द्वारा भी खास व्यवस्था सोनीपत में की गई है। बिल्कुल, और जिस तरह से देखा जाए 10:30 तकरीबन बज चुके हैं और आपके पीछे का नजारा ये वाजे कर रहा है कि अभी भी धूप का कोई इम्कान नजर नहीं आ रहा है।